शामली के कस्बा झंझाना में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हर दिल अजीज हरेंद्र मलिक इस बार कैराना लोकसभा से भारी बहुमत से विजय होंगे। सपा बसपा गठबंधन भाजपा की बी टीम के रूप में होकर भाजपा को जिताने का काम कर रहा है, कोई इनके बहकावे में ना आए। 2019 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, यदि इस बार भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएगा तो समझना फिर देश में चुनाव नहीं होंगे। सरकार है, ठिकाने की सरकार है, हम जूते का हाथ में मजबूत लेकर के काम करना जानते हैं, हमें पता है कि काम किस तरह से कराया जाता है। आपसे एक बात पूछना था, हार हो या जीत हो, हार और जीत का फर्क जनता के ऊपर जब एक बात का यकीन आपको होगा, अच्छी तरह से आप सब लोग जानते हैं कि चाहे नरेंद्र भाई हो चाहे इमरान मसूद हो, किसी अधिकारी की तो कम से कम औकात नहीं है कि हमसे उलझने की जरूरत कर सके। हमसे कभी ये मुंह से सुनने का काम करते हैं। आज भाजपा की चल रही, हम तो आज भी नहीं रखते, इनसे दब रहे क्या? वो क्या कहेगी आयोगी, वो क्या कहेगी आयोगी मसूद अजहर के साथ, वो मसूद अजहर के साथ अजहर मसूद बता रहा था, बल्कि नाम तो उसका मसूद अजहर है, वो अजहर मसूद बता रहा था। अरे योगी जी, लेकिन मैं आपके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको तो दिव्य ज्ञान होता है, कभी आप भगवान की जाति बताने लगते हो, अब इमरान की रिश्तेदारी बताने लगे, इसलिए मुझे हंसी आती है, मजाक ही कर सकते हैं। तो ये लोग ये बात नहीं है, बात अगर ये है, अगर मैं